ध्यान दो नहीं वक्त है कुछ कर लेने का कुछ पढ़ लेने का सिर्फ आपके पास पांच महीना है उससे भी कम अगस्त खत्म हो गया सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी चार महीना लगभग आपके पास अगर थ्रोली में कहूं तो चार महीना का वक्त है ये चार महीना अगर मेहनत करोगे तो जिंदगी भर तुम्हारा ठीक चलेगा और तो चार महीना अगर बर्बाद कर दोगे तो जिंदगी भर एक धप्पा जरूर लग जाएगा बार बार यह तुम्हें याद दिलाएगी कि चाहत रहे पढ़ ले ले। मन में एक अफसोस रह जाएगा। देखो काम करके करके पछताओ, पछताओ। मेहनत कर मेहनत करने के बाद अगर पछतावा हो ना तो कोई बात नहीं मन को सुकून मिलता है लेकिन मेहनत ही ना करें तो उस पछतावा के पीछे आपका जीवन लग जाता है केवल मन को समझाने में कि मैंने ऐसा क्यों किया आपके पास वक्त है समझ जाइए और चार महीना गुजरने में समय नहीं लगेगा आठ महीना का वक्त अगर गुजर गया तो फिर चार महीना का भी वक्त गुजर जाएगा कितने सन बीत गए कितनी शताब्दी बीत गई कितने महीने बीत गए ये बीतते चले जाते हैं कब आप पहला में थे और कब ट्वेल्थ पास करने वाले हैं देख रहे हैं कैसे समय बीत रहे तो समय किसी का इंतजार नहीं करेगा आप समय के साथ चलना चाहते हैं तो समय के साथ मेहनत करिए नहीं तो समय अगर एक बार छूट गया ना तो फिर जाएगा? समय को छोड़िए नहीं समय का फायदा उठाइए देखो करे यदि एक मात्रक सदिश ए आई के साथ कौन बना रहे कितना पाई बाई थ्री मतलब एक पाई बाई थ्री का कौन बना रहा है? मतलब आप जानते हैं कि दिया गया अल्फा का मान मैंने बताया था कि अगर एक अक्ष के साथ कौन बनाए तो उसको कहते हैं क्या अल्फा फिर वाई अक्ष के साथ कौन करे पाई बाई फोर उसके बाद गामा क्या है गामा का मान थीटा है सवाल करें कि थीटा का मान ज्ञात करें थीटा का मान ज्ञात करना है तो चूंकि आप भी जान लीजिए देखो एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण कोई बनाए वेक्टर वाई अक्ष के साथ बीटा बनाए और जेड अक्ष के साथ अगर गामा बनाए तो सूत्र होता है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा बराबर एक होता है यहां से अल्फा का मान हो जाएगा पाई बाई थ्री बीटा का मान पाई बाई फोर और एक गामा का मान हो जाएगा थीटा। कैलकुलेट करो पाई थ्री। पाई थ्री मतलब साठ डिग्री कॉस साठ का मान क्या होगा एक बटा दो हो जाएगा यह हो जाएगा एक बटा रूट अंडर दो और ये जैसे है रहने दो एक बटा चार हो जाएगा या एक बटा दो हो जाएगा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक हो जाएगा फिर यहां से क्या करें इस सब को कैलकुलेट करो इधर रख लो कॉस स्क्वायर वन माइनस इधर देखो प्लस में दोनों है तो उधर जाएगा ना तो इधर जाएगा तो एक बटा चार एक दो तो। दोनों माइनस में हो गया पहले ही कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक भिन्न का कर ले क्या चार माइनस या एक बचेगा दो दो ना चार दो माइनस दो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ए, एक और दो चार घटाओ एक घटाओ दो है ना तो क्या करेंगे माइनस एक और माइनस दो मिलकर माइनस तीन चार में से तीन घट जाएगा बटा में चार कॉस थीटा बराबर यह एक बटा चार स्क्वायर है तो रूट में चला जाएगा तो कॉस थीटा एक बटा रूट अंडर दू तो बताए कॉस कितना का मान एक बटा रूट दू होता है पाई भाई फोर। यही पूछ रहा था एक वटा दो हो जाएगा चार का वर्मूल क्या हो जाएगा दो तो एक वटा दो किसका मान हो जाएगा भाई कॉस साठ का मतलब पाई बाई थ्री का तो आपके पास थीटा का मान आ गया पाई बाई थ्री अब एक बात समझिए है इसमें कि भाई घटक भी ज्ञात करें घटक घटक कहें तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कौश का क्योंकि किसी भी सदीश का सूत्र आप पढ़े होंगे कि ए बराबर होता है कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप और कॉस गामा के कैप तो कौश अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा निकाल दीजिएगा के, के साथ लगाकर तो घटक आ जाएगा इंसर्ट अगर हम कहें तो जैसे कॉस ये सब पाई बाय थ्री है ना तो घटक इसका हो जाएगा क्या कॉस पाई बाई थ्री आई कैप कॉस पाई बाई फोर जे कैप और कॉस अभी गामा का मान आया था थीटा का पाई का थ्री पाई वे थ्री जे के कैप हो जाएगा तो मान अगर कहें तो कॉस पाई वे थ्री का मान कितना होता है एक बटा दू आई कैप हो जाए फिर यह एक बटा रूट अंडर दू जे कैप हो जाए और यह भी कितना एक बटा दू के कैप ई जो आया वह क्या आया घटक क्या है भाई तो घटक निकालना है घटक तो कॉस अल्फा आई कैप कौश बीटा जे कैप और कॉस गामा के कैप और अल्फा का मान है बीटा का और गामा का मान है मान मैंने बैठा दिया ये तीनों क्या आ गया घटक और बाकी यह थीटा निकालना था ठीक है इसको अब उतार लीजिए